किशोर जागरण। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला किशोर जगत। किशोर जगत में आज का विषय है भूगोल। क्या है हमारे चारों चारों चारों, क्या है हमारे चारों चारों चारों, नदियां हैं नदियां हैं, पहाड़ हैं पहाड़ हैं, जंगल हैं जंगल हैं, और जंगल में मोर। क्या है हमारे चारों चारों चारों, क्या है हमारे चारों चारों चारों, घर है घर है, सड़क है सड़क है, भीड़ है भीड़ है, और है भीड़ का शोर। क्या है हमारे चारों चारों चारों, क्या है हमारे चारों चारों चारों। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक वार्ता। शीर्षक है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार का निर्धारण निर्मित क्षेत्र के विस्तार और घरों के बीच की दूरी के द्वारा किया जाता है। भारत की बस्तियों में काफी विविधता है। सैकड़ों घरों या परिवारों वाले संघत या गुच्छित गांव भारत का विशेष रूप से उत्तरी मैदानों का व्यापक लक्षण है। लेकिन ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इस प्रकार भारत की ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, गुच्छित संघत अथवा केंद्रीय। दूसरा, अर्धगुच्छित या विखंडित। तीसरा, पूर्वे। चौथा, परिक्षिप्त या एकाकी। गुच्छित बस्तियां पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियों को गुच्छित या संघत बस्तियां कहते हैं। इस प्रकार के गांवों में सामान्य आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से निकटवर्ती खेतों घेरों अर्थात बाड़ों और चरागाहों से अलग होता है। पास पास बने घर और उनके बीच की गलियों से एक स्पष्ट प्रतिरूप या ज्यामितीय आकृति जैसे आयताकार अरीय रैखिक आदि बन जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियां अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों शिवालिक की घाटियों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कभी कभी लोग सुरक्षा के कारणों से संघत गांवों में रहते हैं। ऐसे गांव मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड में पाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल की कमी ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए संघत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अर्धगुच्छित बस्तियां किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के परिणाम स्वरूप ही अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां बनती हैं। प्रायः किसी बड़े संघत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। इस उदाहरण में ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा या मजबूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। सामान्यतः भूस्वामी और प्रभावशाली समाज के लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जबकि समाज के निम्न वर्ग के लोग और छोटा काम करने वाले लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। गुजरात के मैदान में
ऐसी बस्तियां व्यापक रूप से पाई जाती हैं। पूर्वे वाली बस्तियां कभी-कभी बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग इकाइयों के रूप में होती हैं। सामान्यतः इनका एक ही नाम होता है तथा ये एक दूसरे से स्पष्ट दूरी पर होते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों को पल्ली, नंगला या ढाणी जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। सामाजिक और निजातीय कारकों की वजह से बड़ा गांव कई छोटी बस्तियों में बंट जाता है। गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में प्रायः ऐसे ही गांव पाए जाते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां भारत में परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां सुदूर वनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होती हैं जिनके आसपास के ढालों पर खेत या चरागाह होते हैं। बस्तियों का चरम फैलाव बसने योग्य क्षेत्रों में जीविका निर्वाह के भूमि संसाधनों के अत्यधिक बिखरे होने के कारण होता है। मेघालय, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक अनेक कारक और दशाएं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ये कारक इस प्रकार हैं। पहला, भौतिक लक्षण जिसके अंतर्गत हैं धरातल का स्वरूप, ऊंचाई, जलवायु तथा जल की उपलब्धता। दूसरा, सांस्कृतिक और निजातीय कारक जिसके अंतर्गत हैं जातीय और जनजातीय संरचना और धर्म। तीसरा, सुरक्षा कारक जिसके अंतर्गत हैं आक्रमणों, डाकुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप भारत के गांवों के विविध रूप या अभिन्यास दिखाई पड़ते हैं। गलियों की व्यवस्था के अनुसार बस्ती की आकृति निर्धारित होती है। गलियों की व्यवस्था के अतिरिक्त गांव की आकृति को मंदिर, मस्जिद, कुएं, तालाब आदि सांस्कृतिक लक्षण भी निर्धारित करते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख बस्ती प्रतिरूप ये हैं। पहला, रैखिक। दूसरा, अरीय। तीसरा, तारा आकृति। चौथा, मकड़जाल आकृति। पांचवा, आयताकार या शतरंजी। छठा, त्रिभुजीय या बाण की नोक के समान। सातवा, गोलाकार या अर्धगोलाकार। आठवा, पंखाकृति। किसी मार्ग, नदी या नहर के किनारे बसे गांवों की आकृति रैखिक होती है। केरल के तटीय क्षेत्रों और दून घाटी में डोईवाला, लच्छीवाला, कावड़वाला आदि गांव जैसी बस्तियां पाई जाती हैं। जब किसी केंद्रीय स्थिति वाले गांव या कस्बे में अनेक सड़कें आकर मिलती हैं, तो लोग अपने मकान इन सड़कों के किनारे किनारे बनाते जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक अरीय बस्ती का विकास होता है। लेकिन बाद में जब दो सड़कों के बीच भी मकान बन जाते हैं,
तो बस्ती का प्रतिरूप तारे की आकृति जैसा हो जाता है। अरेय सड़कों के मध्य एक दूसरे को जोड़ने वाली सड़कों के स्पष्ट विस्तार से बस्ती का प्रतिरूप मकर जाल की आकृति जैसा हो जाता है। अनेक गांवों और छोटे कस्बों में सड़कें एक दूसरे के समांतर बनी होती हैं तथा एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती हैं। सड़कों के इस प्रकार के अभिन्यास तथा उनके बीच बने मकानों के द्वारा बस्ती का प्रतिरूप शतरंजी अथवा आयताकार हो जाता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी नीतू तिवारी। मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।